अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 42 न्यूक्लियर फिजिक्स प्रॉब्लम 18। वो कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ। रदरफोर्डियम में जो इसका आपको पास 259 मास नंबर है, 104 एटॉमिक नंबर है। वो कहता है इसमें प्रोटॉन का मास ये लेना है, न्यूट्रॉन का मास ये लेना है, बाइंडिंग एनर्जी का 2 लगा देना। अब आपके पास उसमें आपके पास 104 प्रोटॉन्स हैं और 259 में से 104 निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। टोटल मास ऑफ हमें रदरफोर्डियम का भी दिया गया है, इसे कन्वर्ट कर लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर तो 1910.722 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालनी हो तो 259 से डिवाइड कर देंगे तो 7.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनेगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके।